हाँ जी भाई लोग, क्या हाल चाल है। माय नेम इज तेजवीर सिंह राठौड़ और आप देख रहे हो द इंडियन एक्सपेरिमेंट्स। सो गाइज, अभी वेडिंग शूट चल रहा था, आपको पता ही होगा ड्रोन का। तो क्या हुआ, मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा था, ठीक है। तो आज हम वीडियो बनाएंगे अपने ड्रोन के साथ में। नाम आपने सजेस्ट किया था, तेजस रख लिया इसका नाम आपने, ठीक है। तो आज इसको हम सिखाएंगे आपको, बाई चांस कभी आपके हाथ में ड्रोन आ जाए तो कैसे फ्लाई किया जाता है, बेसिक नॉलेज बताएंगे आज इसमें, ठीक है। चलते लेट्स गो। सो गाइज, ये इस तरीके से हमारा बॉक्स ओपन होता है, ऐसे। एंड इसको हम ऊपर उठा देते हैं ऐसे। ये है हमारा ड्रोन का फर्स्ट लुक, आप देख सकते हो। ये इसका रिमोट कंट्रोलर है, इसको बाहर निकाल देना है आपको। एंड यहाँ पर हम फोन लगा सकते हैं। ये हमारा ड्रोन है। तो निकालने से पहले आपको यहाँ पर एक लॉक मिलता है, आप देख सकते हो। ये रहा सामने की तरफ, ऑन करना ही नहीं है, पहले लॉक निकालना फिर ऑन करना, वरना गिम्बल टूट जाएगा। 5870 mAh की बैटरी आप देख सकते हो, ओरिजिनल बैटरी है। एंड उस तरफ कॉपी बैटरी रखी हुई, ओरिजिनल मिल नहीं रही थी इसलिए। तो ये इसकी बैटरी है, ये आप देख सकते हो। चार्जिंग के लिए भी कितना ढांचा दे रखा है, एक वार्निंग लिखा हुआ है। ये ऊपर की तरफ रखना है, फिर ड्रोन में लगाना है, इस बटन को प्रेस करके लगाना है हमें। एंड गाइस, सेफ्टी से आराम से लगाना है ड्रोन में बैटरी को। गाइज, इसके अंदर मिलते हैं हमारे को टोटल 8 प्रोपेलर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं चार, ये देख सकते हो आप। सो गाइज, ये है सी वाली केबल, ये मेरे चार्जिंग वाली है, इसके साथ में सी केबल नहीं आती। सो गाइज, यहाँ पर ब्लैक डॉट है बना हुआ, आप देख सकते हो। एंड इस तरफ कोई भी डॉट नहीं है, वापस उस तरफ ब्लैक डॉट है एंड इस तरफ कोई डॉट नहीं है। तो यहाँ पर लगेगी सिल्वर कलर वाली प्रोपेलर एंड यहाँ पर ब्लैक कलर वाली। सो गाइज, ये ब्लैक सर्कल बना हुआ है एंड ये पंख ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। तो हमारे को ऐसे यहाँ पर लगा के, ये जैसे मैं बता देता हूँ, ये ब्लैक डॉट यहाँ पर ऐसे लगा है एंड इस तरफ रोटेट किया, ये हो गया, प्रेस करके फिर घुमा के देख लेना, ठीक है। ऐसे दूसरे वाले पंख लगेंगे। ये इसका रिमोट कंट्रोलर, पहले हमको एंटीना ऊपर कर देना ऐसे, ठीक है। अगर आपके ड्रोन ऊपर की तरफ है तो ऐसे रहेगा, वरना ऐसे कर देना आगे, है ना, ठीक है। एंड ये यहाँ पर फोन लग जाता है, आप देख सकते हो। ये पिन यहाँ से बाहर निकलती है, फिर यहाँ पर एक बटन है ना, इसको प्रेस करना, ये और स्प्रिंग लगा हुआ है इसके अंदर, ये। सो गाइस, ये बटन है इसका ऑन का, एक बार प्रेस फिर 2 सेकंड के लिए प्रेस करना। तो यहाँ पर अभी रेड LED जल रही, मतलब ये अभी तैयार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है गिम्बल का ऊपर नीचे करने का। एंड यहाँ पर ये सील लगी हुई है ASP मोड, इसको तो आपको हमेशा पी पे ही रखना, ठीक है। तो नीचे करना नहीं है वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है ऑन ऑफ का, ठीक है। इससे ड्रोन ऊपर जाएगा, इससे नीचे आएगा, ठीक है। एंड इस तरफ करेंगे तो ऐसे घूमेगा एंड इस तरफ करेंगे तो ऐसे घूमेगा, बीच में रखेंगे तो घूमता घूमता ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। एंड ये बटन है ना, ये हम आगे करेंगे तो ड्रोन आगे जाएगा, पीछे करेंगे तो पीछे जाएगा ड्रोन। तो हम लेफ्ट राइट करेंगे, ड्रोन लेफ्ट राइट होगा, ठीक है, ऐसे। एंड ये है रिटर्न होम का बटन, आप देख सकते हो। इसको तो पहली बात, अगर आपके एरिया में कोई तार है बिजली का तो इसको मत यूज़ करना है, वरना ड्रोन की क्या होता है, सीधा ऐसे सटता है फिर आपकी तरफ आता है, तो ये ऊपर से क्रैश मार सकता है, आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। एंड यहाँ पर है रिकॉर्डिंग पॉज का, एंड इससे हम शटर स्पीड वगैरह वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कस्टमाइज बटन है 2, एंड यहाँ पर हमारी केबल लगेगी, आप देख सकते हो, ठीक है। ये ऐसे लगा देते हैं हम यहाँ पर ये केबल। एंड सबसे पहले तो आपको नेट ऑन करना है, लोकेशन ऑन कर देनी है। यहाँ पर एक DJI का गो फॉर एप्लीकेशन आती है, इसको ऑन कर देना है। एंड यहाँ पर हम ऐसे लगा देते हैं, साइन अप कर देना, ठीक है। एंड ड्रोन भी ऊपर से चूज कर सकते हो, ये अभी ऑटोमेटिक हो जाएगा, पहले मैंने बहुत बार कनेक्ट किया है एंड ये अभी ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएगा, परमिशन मांग रहा है, ओके। एंड ये अभी कनेक्ट हो गया है, तो अभी हम ड्रोन को ऑन करते हैं। सो गाइज, हम ड्रोन को ऑन करते हैं। अभी यहाँ पर ये बटन लगा हुआ है, इसको सिंगल प्रेस करना, फिर 2 सेकंड की लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है। तो ये अभी ऑन हो जाएगा, इसके अंदर आवाज़ आएगी टनाना। अभी कैमरा भी ऊपर नीचे होगा, आप देख सकते हो, ये हो गया ऑफ।
सो गाइस, रिमोट और ड्रोन कनेक्ट हो गए आपस में। यहाँ पर ग्रीन एलईडी जल रही आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर रेड एलईडी लगे तो समझ लेना ड्रोन कनेक्ट नहीं हुआ आपके रिमोट के साथ में। यहाँ पर आ गया देख सकते हो आप गोपलाई, इस पर क्लिक किया एंड यहाँ से यह पूरा कैमरा का व्यू आ जाएगा आप देख सकते हो ये। तो अभी मैं यहाँ पर सेटिंग सही करता हूँ, ऑटो मैनुअल है, अभी मैनुअल में बहुत अच्छा वीडियो बन जाता है ये। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है देख सकते हो आप, ये ऊपर की तरफ ये चीज, ठीक है, एंड होम पॉइंट, इसको हमको अपडेट कर लेना। एंड गाइज, अगर नाइट में उड़ा रहे तो बेशक इसको ज़रूर कर लेना। सो गाइज, अभी ये बटन है ना, इसको टेक ऑफ करने का मतलब उड़ाने के लिए इन दोनों बटन को नीचे करना है ऐसे, फिर यहाँ पर पास में लेना। ये देख सकते हो ड्रोन ऑन हो गया, अभी इसको ऊपर उठाना है तो ये बटन थोड़ा थोड़ा से एकदम नहीं करना वरना एकदम क्रैश मार देगा। वीडियो ऑन हो जाता है और यहाँ से भी ऑन हो जाता है, तो ये ऐसे ऑन होता है आप देख सकते हो। एंड इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी वो फोन वाला ही लगता है, थोड़ा हाई क्लास का लगता है, सैंडिस्क अल्ट्रा वाला कार्ड। सो गाइज, इसके अंदर 5 सेंसर लगे हुए हैं चारों दिशाओं में और नीचे ऊपर की तरफ कोई सेंसर नहीं है। तो ये अंदर जाकर किसी के अंदर मतलब एकदम दीवार आगे सामने तो पास में रुक जाएगा जाके। ये स्पीड भी इसकी बहुत ही फास्ट होती है। के अंदर पूरा व्यू दिख रहा है अभी यहाँ ये डिस्प्ले के अंदर। यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन होती है, यहाँ से हम फोटो पे स्विच कर सकते हैं। ये फोटो क्लिक हो गया एंड वापस वीडियो पे करने के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे एंड अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, आपको भी दिख जाएगा। जिस तरीके से ड्रोन और रिमोट ऑन होता है उसी तरीके से ड्रोन और रिमोट हम ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे सिंगल प्रेस फिर लॉन्ग प्रेस, ये ऑफ हो गया। सो भाई लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक देना एंड ड्रोन के साथ में कोई भी आइडियाज़ हो ना तो कमेंट मारना, ठीक है। एंड गाइज, इंटरेस्टिंग और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।